त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। मैं कमलेश झा, सहायक प्रोफेसर, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय, मझौलिया, पश्चिम चंपारण। मैं आज शास्त्री प्रथम खंड के छात्रों के लिए, जिनका विषय प्रतिष्ठा विषय व्याकरण है, एवं व्याकरण से इतर छात्रों के लिए जो द्वितीय खंड के छात्र हैं, उनके लिए अनिवार्य प्रथम पत्र के रूप में पढ़ाई जाने वाली पुस्तक दर्शन शास्त्र के अंतर्गत तर्क संग्रह नामक पुस्तक पढ़ाई जाती है, जिनको कि मैं आज प्रारंभ से पढ़ाने जा रहा हूँ। तर्क संग्रह अन्नम भट्ट द्वारा लिखित पुस्तक है और इनकी व्याख्या न्यायबोधिनी व्याख्या गोवर्धन पंडित के द्वारा किया गया, जो कि नियमावली के अनुसार पढ़ाई जानी है। तो प्रस्तुत पुस्तक तर्क संग्रह का मंगलाचरण है, निधाय हृदि विश्वेशम विधाय गुरुवंदनम बालानाम सुखबोधाय क्रियते तर्क संग्रह। निधाय हृदि विश्वेशम, विश्वेशम विश्वनाथम हृदि निधाय, विश्वनाथ को हृदय में धारण करके, विधाय गुरु वंदनम और गुरु चरणों की वंदना करके, बालानाम सुखबोधाय बालकों को अल्प परिश्रम से बोध गम्य कराने के लिए, बोध कराने के लिए, ज्ञान कराने के लिए मैं अन्नम भट्ट, क्रियते तर्क संग्रह, मैं अन्नम भट्ट तर्क संग्रह नामक ग्रंथ की रचना करता हूं। श्लोक का मूल अर्थ कहता है, अब है जो चिकीर्षितस्य ग्रंथस्य निर्विघ्न परिसमाप्त्यर्थम् इष्ट देवता नमस्कारात्मकं मंगलं शिष्य शिक्षार्थं ग्रंथादौ निबध्नाति निधायेति। विश्वेशं जगत्कर्तारं श्री सांब मूर्तिं हृदि निधाय, हृदि मनसि निधाय, नित्रां धारयित्वा गुरुवंदनं च विधाय कृत्वेत्यर्थः। बालेति अत्र अधीत व्याकरण काव्य कोशान अनधीत न्याय शास्त्रो बाला व्यासादावति व्याप्ति वारणाय अनधीत न्यायेति, स्तंधये अति प्रसक्ति वारणाया अधीत व्याकरणेति सुखेति। सुखेन अनायासेन बोधाय पदार्थ तत्व ज्ञानायत्यर्थः। सुखेन अनायासेन बोधाय पदार्थ तत्व ज्ञानाय इत्यर्थः। तर्क्यन्ते प्रमिति विषय क्रियन्ते इति तर्काः, द्रव्यादि पदार्थास्तेखं संग्रहः, संक्षेपेन उद्देश्य लक्षण परीक्षा जस्मिन् स्वग्रंथः, नाम मात्रेण वस्तु संकीर्तना संकीर्तन उद्देश्य, यथा द्रव्यं गुण इति असाधारण धर्मो लक्षणम्, यथा गंधवत्वं पृथिव्या लक्षणम् लक्षितस्य लक्षणम् संभवति न वेति विचारः परीक्षा।
अत्र उद्देश्यस्य पक्षज्ञानं फलं लक्षणस्य तरभेद ज्ञान परीक्षाया लक्षणं दोषपरिहारार्थ परिहार इति मन्तव्यम्। अब आगे है जो पदार्था कथि कानिच तेषां नामानि पदार्था कति सप्त पदार्था कानि चौथे खांग नामानी द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव सप्त पदार्था द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव सप्त पदार्था। तो पदार्थ सात होते हैं द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय और अभाव। यह है जो अथ पदार्थान विभजते द्रव्येति तत्र सप्तग्रहणम पदार्थत्वम द्रव्यादि सप्तान्यतमत्व व्याप्यमिति व्याप्तिलाभाय ननु शक्ति पदार्थस्य अष्टमस्य ननु शक्ति पदार्थस्य अष्टमस्य सत्वात् कथं सप्तेवेति तथा हि बन्नि संयुक्तेन धनादौ सत्यपि मणि संयोगे दाहो न जायते तच्छूर्णेन न तु जायते। अतो मणि समावधाने शक्तिर्नश्यति मण्यभावदशायां दाहानुकूला शक्तिरुत्पद्यति इति कल्पते तस्मात् शक्तिः अतिरिक्त पदार्थः इति चेत नो तस्मात् शक्ति ही अतिरिक्त पदार्थ इति चेत नो मने प्रतिबंधकत्वेन मण्यभावस्य कारणत्वेन एव निर्बाहे मणि समावधानाभ्याम अनंत शक्ति ही तद्ध्वंस तत्प्राग्भावक कल्पनाया अन्याज्यत्वात् तस्मात् सप्तेवेति सिद्धम्। आगे कति द्रव्याणि कानि चौतानि कति द्रव्याणि नव द्रव्याणि कानि चौतानि तत्र द्रव्याणि पृथिव्यप् तेजो वाज्वाकाश कालदिग आत्मनांसि नवैव। द्रव्य नौ प्रकार के होते हैं पृथ्वी औप तेज वायु आकाश काल दिक आत्मा और मन। इस प्रकार से द्रव्य नौ प्रकार के होते हैं। अब न्यायबोधनीकार कहते हैं कि द्रव्यान विभजते पृथ्वी थी ननु पृथिव्यप्ति जो बाज्वाकाश कालदिक आत्मनांश नवैव ननु अंधकारस्य दशम द्रव्यस्य सत्वात् कथं नवैवेति ननु अंधकारस्य दशम द्रव्यस्य सत्वात् कथं नवैवेति तथा हि नीलं तमस्य तथा ही नीलं तमश्चलतीति प्रतीतिर नील रूपाश्रयत्वेन क्रियाश्रयत्वेन च द्रव्यत्वं सिद्धं न च लिप्त द्रव्ये स्वंतर्भाव अंतर्भावात् कुतो दस्तम द्रव्यत्वं इति वाच्यम्। आकाशादि पंचकस्य वायोश्च निरूपत्वं न तेषु अंतर्भावः तमसो निर्गंधत्वं न पृथिव्याम् अंतर्भावः जल तेजसो शीतोष्ण स्पर्शवत्वं न तयोर् अंतर्भावः तस्मात् तमसो दशम द्रव्यत्वं सिद्धम् इति चेत् न
तेजो अभाव रूपत्वे नैव, तेजो अभाव रूपत्वे नैवोपपत्तावतिरिक्त रिक्तत्व कल्पनायां मानाभावादिति नच विनिगमना विरहात् तेज एव तमो अभावस्वरूपम् अस्तीति वाच्यम्। तेजसो अभावस्वरूपत्वे, तेजसो अभावस्वरूपत्वे सर्वानुभूतो स्पर्शाश्रय द्रव्य द्रव्यांतरकल्पने गौरवात्। तस्माद् उष्ण स्पर्श गुणाश्रयतया, तस्मात् उष्ण स्पर्श गुणाश्रयतया तेजसो द्रव्यत्वं सिद्धं तमस्य नीलत्वाद् इति प्रतीतिस्तु भ्रांतिरेव। दीपापसरण क्रियाया एव तत्र भानात्। तत्र इति तत्र सप्त पदार्थ मध्ये इत्यर्थ। द्रव्याणि नवैवेत्यन्वयः एवं तत्रेति पदं चतुर्विंशति गुणाः इत्यादिना अपि अन्वेति। द्रव्यत्व जातिमत्वं गुणवत्वं समवायिकारणत्वं वा द्रव्यसामान्यलक्षणं आगे है कति गुणा किए चते, कति गुणा गुण कितने हैं और किए चते हुए कौन कौन। तो कहते हैं अन्नम भट्ट कहते हैं ये गुण 24 होते हैं, गुण 24 होते हैं और वे कौन कौन, तो रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण पृथक्त्व संयोग विभाग परत्व अपरत्व गुरुत्व द्रवत्व स्नेह शब्द बुद्धि सुख दुखेक्षा द्वेष प्रयत्न धर्माधर्म धर्म अधर्म संस्कारा। ये 24 गुण है, रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण पृथक्त्व संयोग विभाग परत्व अपरत्व गुरुत्व द्रवत्व स्नेह शब्द बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म अधर्म संस्कार, ये 24 गुण कहे गए। अब है जो कियन्ति कर्माणि, ये जो है सप्त पदार्थ के अंतर्गत द्रव्य गुण कर्म सामान्य अभाव समवाय अभाव सप्त पदार्थ जो कहे गए हैं, सात पदार्थ के अंतर्गत जो पदार्थ गिनाए गए हैं उनमें पहला है द्रव्य, उसके बाद दूसरा है गुण, तो द्रव्य 9 हैं, गुण 24 हैं, उसके बाद कर्म, तो कर्म 5 प्रकार के बतलाए गए हैं। कियन्ति कर्माणि कानि च तानि, कर्म कितने प्रकार के हैं और वे कौन कौन, तो उत्क्षेपण अपक्षेपण आकुंचन प्रसारण और गमन। उत्क्षेपण अपक्षेपण आकुंचन प्रसारण गमन, गमनानि पंच कर्माणि, उच्चेपन अपक्षेपन आकुंचन प्रसारण और गमन, इस प्रकार से 5 प्रकार के कर्म कहे गए। उसके बाद है सामान्यम कतविधम, सामान्यम द्विविधम, परम अपरम चेति, पर और अपर नाम से सामान्य 2 प्रकार के होते हैं, परत्वम च अधिक देश वृत्तित्वम, अपरत्वम न्यून देश व्यक्तित्व। अब कियन्तो विशेषा, नित्य द्रव्य वृत्तयो विशेषास्तु अनंता एव, वस्तुओं में नित्य रूप से रहने वाला जो धर्म है, धर्म विशेष,
वो अनंत है और वो एक प्रकार का होता है। संवायस्तु एक एव, समवाय एक प्रकार का होता है। आगे है जो अभाव कतिविदा, जो अंतिम जो है शब्द पदार्थ के अंतर्गत जो अंतिम पदार्थ कहा गया है अभाव, वो चार प्रकार का होता है। अभाव चार प्रकार के होते हैं, प्रागभाव, प्रध्वंसाभाव, अत्यंताभाव और अन्योन्याभाव। अभाव चार प्रकार के होते हैं, प्रागभाव, प्रध्वंसाभाव, अत्यंताभाव और अन्योन्याभाव। इस प्रकार से आज के पाठ को यही विराम दिया जाता है। नमस्कार।